गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल वेलकम्स यू। माई सेल्फ संदीप नेहरा, योर हिस्ट्री टीचर। वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर सेकंड, राइटिंग स्किल एंड सिटी लाइफ। टुडेज अवर टॉपिक इज ए ट्रेडिंग टाउन इन द पेस्ट्रोल जोन। जो पेस्ट्रोल जोन थी उसके अंदर ट्रेडिंग सिस्टम यानी व्यापार का जो केंद्र है वो कैसे बना था, जिसके अंदर एग्जाम्पल जो आपका दिया गया है मारी सिटी का दिया गया। इससे पहले क्या है, सिटी लाइफ का जो एग्जाम्पल था वो आपको उर सिटी का दिया गया था यानी उर जो शहर, क्योंकि आपको बताया सबसे पहले सर्वे वहाँ पर हुआ था और वहाँ का सिटी लाइफ काफ़ी फेमस था। इसी तरह से जो मारी सिटी है, मारी सिटी का ट्रेडिंग सिस्टम काफी फेमस है। तो इस तरह से क्या है, इस ट्रेडिंग सिस्टम के बारे में, मारी सिटी के बारे में दिया गया है। तो लगभग 2000 BC यानी 2000 साल पहले, ये आपको पहले ही बताया जा सकता है। 2000 BC का मतलब है कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जैसे आज 2020 चल रहा है, वन है उससे 2000 साल पहले। तो 2000 BC क्या है, यहां पर एग्जांपल मिलते हैं, मतलब ये काफ़ी फेमस हुआ, उस समय काफ़ी डेवलप हुआ था। तो आपकी बुक में एक मैप दिखा रखा है, उस मैप में रिवर के आसपास क्या है, इस तरह से रिवर्स है, उसके अंदर दिखाया गया कि यहाँ एरिया जो है बाढ़ वाला एरिया, यहाँ पर एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है, इस तरह से ये डेजर्ट एरिया, तो इस तरह से बताया गया। तो मारी एक ऐसा सिटी नहीं था जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर काफ़ी डेवलप थी, यानी सिर्फ ऐसा सिटी नहीं था। मारी क्या था, एक ऐसा सिटी था जहाँ पर फार्मर्स यानी एग्रे फार्मर भी थे और पेस्टोलिट्स भी थे, यानी कि चरागाहे पशु चारक भी ज्यादा थे और किसान भी, यानी एग्रीकल्चर के साथ साथ यहां पर क्या है, एनिमल्स को भी क्या है, हर्डर किया जाता था, उनको भी पाला जाता था, उनको भी पालने वाले क्या थे, लोग वहां पर जाते थे। तो ये दोनों चीजें वहां पर साथ साथ देखने को मिलती हैं। तो फार्मर्स और हर्डर्स क्या है, वहां पर एक दूसरे के साथ मतलब काम करते थे। अगर मान लो इनको जो हर्डर्स वगैरह होते थे यानी कि चराने वाले हैं या पेस्टोलिट्स आप बोल सकते हो, ये इनको क्या होती थी, इनको जो अगर चीज़ों की ज़रूरत है, मान लो कि इनको ज़रूरत है वीट वगैरह की है या किसी चीज़ की जो एग्रीकल्चर से होती है, उनकी नीड है, तो ये क्या करते थे, ये अपने जो एनिमल्स वगैरह हैं उनकी मीट है या उससे कोई उन्होंने क्या है चीज़ वगैरह निकाल रखा है, या आप ये कह सकते हो कि उनके द्वारा जो लेदर वगैरह बनाया जाता था या वुल वगैरह जो भी है वो दे करके क्या, इसके बदले में वो मतलब वीट वगैरह या ये चीज़ें क्या है लेते थे। तो इस तरह से उनके बीच में क्या है, आपस में एक तरह का समझौता या ट्रेड होता था। लेकिन ये नहीं है कि दोनों के बीच में कभी भी झगड़े नहीं होते, दोनों के बीच में काफ़ी झगड़े होते थे, क्योंकि जो पोस्टुलेट्स है वो क्या होते थे, नॉम्स थे। नॉम्स मतलब खानाबदोश होते थे, आज एक जगह रुक रहे हैं कहीं, फिर दूसरी जगह रुक रहे हैं, फिर तीसरी जगह रुकते हैं। तो ये जब भी जाते थे अपने पशुओं वगैरह को लेकर के जाते थे, तो मतलब जो कई बार क्या होती है, फसलें खड़ी होती है, हरी भरी होती है, उस टाइम क्या है, उसके बीचों बीच लेकर के चले जाते थे। तो इससे क्या है, जो फार्मर्स होते थे उनकी जो एग्रीकल्चर है, खेती बाड़ी है, वो ख़राब हो जाती थी, जिसके कारण इन दोनों के बीच में झगड़े भी होते थे, इनका ये रीजंस माना जाता है। लेकिन इसका साथ में एक दूसरा भी रीजंस है, ये क्या करते थे, जो नोमड्स होते थे, मतलब रिवर्स वगैरह के ऊपर भी पानी वगैरह पिलाने के लिए पशुओं को लेकर के जा रहे हैं, तो उनकी मतलब लैंड एरिया या उनका जो फील्ड वगैरह है, खेत वगैरह, उनके बीचों बीच से गुजर जाते थे, उससे भी उनकी एग्रीकल्चर ख़राब होती थी, इसलिए उनके बीच में झगड़े होते थे। इसके अलावा जो नोम्स है वो क्या थे, हर्डर्स हार्वेस्ट ग्रुप में और क्या है, हायर सोल्डर्स के रूप में उनके पास आते थे, मतलब कि जो मरुस्थली एरिया था उसके अंदर जो पहले डेवलप एरिया है वहाँ से, कहने का मतलब जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा होती है वहाँ से, या ये किसके लिए आते थे, या तो अपने पशु चराने के लिए आते थे, या क्या है हार्वेस्टिंग क्रॉप वगैरह उसको हार्वेस्ट करने के लिए आते थे, या कई बार क्या है जो पेंशन वगैरह के ऊपर सोल्जर रह सकते हो उन उसके रूप में आते थे और वहाँ पर काम करने के लिए रुकते थे। तो ये एक कम्युनिटी, एक समुदाय के रूप में आते थे, इकट्ठे बस्ती बस्ती मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में, और इसमें काफ़ी क्या होते चले गए, स्ट्रोंग होते चले गए, यानी काफ़ी बड़े संख्या में लोग आकर के, स्ट्रेंथ में लोग आकर के कहीं पर रहने लग जाते हैं, तो उनकी मेजोरिटी क्या हो जाती है, धीरे धीरे ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से इन्होंने वहाँ, कईयों ने क्या, कई तो वहाँ पर राजा ही बन बैठे, यानी वहाँ के रूलर्स बन गए थे। तो इसमें कुछ कम्युनिटी का या कुछ क्या कास्ट का बताया, जैसे कि ये पीछे भी अकेडियन है, एमोरिट्स है, एसियंस है, अरेमिनियंस है, ये सारे के सारे क्या थे, ये नोमड्स थे, खानाबदोश ही लोग थे, मतलब हेडर्स वगैरह था, गडरिये वगैरह थे, जो वहाँ आकर के बस जाते हैं और वहाँ के रूलर्स वगैरह बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास जो साथ में जो इनके साथ लोग वो काफ़ी बड़ी संख्या में थे, और इसके कारण इन्होंने वहाँ का जरूर रेगुलेशन है, वहाँ की जो बातें अपने कंट्रोल में कर ली थी। तो इस तरह के क्या एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलते हैं। जो किंग ऑफ मारी है, मारी का जो राजा बताया गया उस टाइम का, एमरियोट्स जो राजा है,
यानी इसके बारे में बताया गया वो क्या था, वो भी एक क्या था, हार्डर था, एक गडरिया था, वो एक लोम्ब्स भी था, एक खाना बदोस, मतलब दोनों एक ही बात है, यानी वो क्या था, हार्डर्स था। तो इसलिए वो वहाँ पर बसता है, जैसे वो वहाँ पर बसता है तो वो उनके मतलब कल्चर वगैरह को नहीं अपनाता, बल्कि उनका जो पुराना कल्चर है जहाँ से वो आए थे उस कल्चर को ही लेकर के चलता है। तो वो अपने कल्चर वगैरह को ही डेवलप करता है। एग्जाम्पल भी बताया गया, उसके द्वारा एक टेम्पल बनाया गया था, वो टेम्पल जो उनके मेसोपोटामिया का जो दूसरा स्टेपी एरिया है, उस स्टेपी एरिया के गॉड डैगन, डैगन गॉड का नाम है, उनके भगवान का नाम है, उसी का उसने टेम्पल बनवाया था। जबकि मारी के अंदर क्या है, इस तरह की क्या है, गॉड को नहीं मानते थे वो, उर और जो इन्न वगैरह है जिसके बारे में आपको पता है, देवी और देवता यानी गॉड और गॉडेस, उनको मानते थे। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर इस ये भी बातें क्या हुई है, जिसमें कल्चर में डाइवर्सिटी आई, काफ़ी डिफरेंस पैदा हुए। तो हम कह सकते हैं कि वहाँ पर कास्ट के अकॉर्डिंग है, कम्युनिटी के अकॉर्डिंग है, कल्चर के अंदर इन सब चीज़ों में काफ़ी डाइवर्सिटी, काफ़ी विभिन्नताएँ थी, अलग अलग डिफरेंस थे, क्योंकि काफ़ी संख्या में हार्डर्स बाहर से आए थे, उनका कल्चर अलग था, जो यहाँ पर लोग रह रहे थे उनका कल्चर अलग था। तो इस तरह से उनके अंदर क्या देखने को मिलती है, काफ़ी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। इस यही क्या है, नोमैड्स के बीच में और फार्मर्स के बीच में क्या है, दोनों के बीच में ट्रेड भी है और दोनों के बीच में एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट भी है, विवाद भी पैदा होता है, आपस में लड़ाइयाँ वगैरह भी होती है। तो ये यहाँ तक कम्युनिटी और कास्ट के बीच में। इसके बाद क्या है, आपके एक बॉक्स के अंदर एनसीईआरटी की बुक में एग्जाम्पल दिया गया, जो काफ़ी एग्जाम्पल है, जिम रिलिम का है। जिम रिलिम क्या है, एक किंग हुए थे, उसके महल के बारे में बताना है, मतलब मैक्सिमम 2 या 3 लाइन्स लिखनी है आपको, 2 मार्क्स में मैक्सिमम पूछा जा सकता है, यानी उसका प्लेस। तो द प्लेस ऑफ मारीज किंग, मारी का किंग था जिम रिलिम, वो काफ़ी फेमस हुआ है। ये 1870 से लेकर के 1760 BC ईस्वी नहीं है, ऐसी नहीं, BC है, यानी इतने साल पहले इस टाइम पीरियड के अंदर वो वहाँ का किंग था। तो उस टाइम पीरियड के अंदर हम ये कह सकते हैं कि उसने एक पैलेस था, अपना जो पैलेस बनवाया था वो काफ़ी फेमस हो गया था धीरे धीरे। एग्जांपल दिया कि सीरिया का एक छोटा सा देश है, उसका क्या है, राजकुमार या जो किंग वगैरह वो उसके पैलेस को देखने गया था। तो उनका जो पैलेस था उसमें लगभग 260 के आसपास रूम थे, यानी 260 के आसपास कमरे बताए गए, और जो 2.4 हेक्टेयर एरिया के अंदर क्या है, फैला हुआ था। अब इसके अंदर था, तो आपकी बुक में कुछ मतलब इस महल के बारे में बताया गया है, नंबर्स दे रखे हैं, जैसे कि ग्राउंड का, उसके आंगन का दे रखा है, उसकी किचन के बारे में दे रखा है, उसके जो वॉशरूम या बाथरूम वगैरह है उसके बारे में पिक्चर्स दिखा रखी है। तो ये पिक्चर्स के ऊपर नंबर दिए, किसी पे 131 लिखा गया, किसी पे 132 लिखा गया, किसी पे 161 लिखा गया। तो इस तरह से लिखे गए हैं, जो अलग अलग के लिए, जैसे एक एग्जाम्पल दे रखा है, कोई बाहर से राजा, दूसरे कंट्री से राजा या गेस्ट वगैरह आते थे तो उनके लिए जो रूम होता था वो 161 काफ़ी फेमस था। तो इस यानी को काफ़ी बड़ा होता था, क्यों, क्योंकि उसकी जो बाहर की वॉल वगैरह, दीवारें वगैरह होती थी उनके ऊपर पेंटिंग की हुई थी, काफ़ी इतनी मतलब फेमस पेंटिंग थी, तो जिसको देखने के लिए बाहर से किंग वगैरह स्पेशली उनसे मिलने आते थे। इसके अलावा उनकी जो किचन के बारे में बताया गया, जहाँ पर वो बैठ करके खाना खाते, वो काफ़ी भी विशाल थी, काफ़ी बड़ी थी, जिसके अंदर काफ़ी मतलब प्रीशियस चीज़ें रखी गई थी जो देखने को। तो ये उसके एग्जांपल 2 या 3 लाइन आप किसमें, 2 या 3 लाइन्स आप कर सकते हो। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये क्या है, मारी ऑफ सिटी था। लेकिन मारी ऑफ सिटी के अंदर ट्रेड तो चल रहा था, लेकिन उस ट्रेड में हम ये नहीं कह सकते कि राजा बिल्कुल सही तरह से था। जो किंग्स था उसने क्या है, जो हर्डर्स वगैरह होते थे, गडरी वगैरह होते थे, या जो पेस्टुरेट्स होते थे, उनको छूट तो थी कि वो अपने पशु वगैरह को कहीं पर भी चरा सकते हैं, लेकिन उसको काफ़ी ये कह सकते हैं कि चौकस रहना पड़ता था, काफ़ी मतलब अवेयर रहना पड़ता था, क्यों, अगर वो अवेयर नहीं रहता तो ये कभी भी हर्डर्स वगैरह क्या है उसके स्टेट के ऊपर अटैक कर सकते थे, या ये कह सकते हैं कि उसके स्टेट के एरिया को छीन सकते थे। तो इस तरह से काफ़ी क्या है, ये कह सकते हैं कि मिनिस्टर वगैरह, कोई मिलिट्री वगैरह, सोल्जर्स वगैरह, उनके जो ट्रूफ वगैरह है वो क्या है, निगरानी करते थे इनके, जो बस्तियों वगैरह में आकर के ये जो हर्डर्स वगैरह होते थे, बाहर रहते थे, इनकी निगरानी करते थे। तो एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक नाइट को क्या है, एक दूसरे की तरफ से मसालों से काफी बार रात को क्या है, इशारे किए जाते हैं, तो वो मिनिस्टर क्या है, या जिसकी भी ड्यूटी थी सोल्जर्स वगैरह की, वो आकर के किंग को बताता है कि इस तरह की बातें हो रही है। हो सकता है कि वो किसी को युद्ध के लिए या वॉर वगैरह के लिए बुला रहे हो सकता है कि वो खुद कोई अटैक करना चाहते हो, तो इस तरह की बातें भी वहां पर होती रहती थी। तो ये भी क्या है, उसका एक पॉइंट लिख सकते हो। इसके अलावा क्या है, मारी जो है धीरे धीरे क्या है, एक इम्पोर्टेंट मैं कह सकते हैं कि सेंटर बन गया था ट्रेड का। ट्रेड का सेंटर क्यों बना था, क्योंकि इसके बीचों बीच ये बताया है कि रिवर्स है, ये रिवर्स है, ये एरुपेट्स रिवर्स है, यानी कि जिसको फरात नदी भी बोलते हैं हिंदी के अंदर, तो ये रिवर्स है, इसके कारण ये काफ़ी फेमस था। इस रिवर के जरिए से क्या है, उसको जो साउथ के अंदर कंट्री थे, जैसे कि तुर्की है, सीरिया है, लेबनान है,
या दूसरे जो ऊंचे इलाके थे ऊपर की तरफ जाता था, वहां पर इस रिवर के द्वारा क्या किया जाता था, ट्रेड किया जाता था। ये ट्रेड कॉपर का भी हो सकता था, टीन का हो सकता था, इसके अलावा ऑयल का भी दिखाया गया, वाइन का दिखाया गया, ये सारी चीज़ों का ट्रेड वहां पर किया जाता था। तो वो क्या करते थे, वहां पर जो ट्रेडर्स वगैरह मारी की जगह पर रुकते थे, जब वो पीछे से कोई मटेरियल तो भी रुकते थे। तो वहां पर कहा गया कि एग्जांपल दिया गया कि जैसे कि 100 उनके पास एक नौका वगैरह है जिसमें 130 या 33 पीपी इतने के आसपास क्या है जो कैन बनाए गए वो एक साथ लेकर के जा सकते थे। अब जब मारी के अंदर लोग इस तरह से आते हैं या अपना ट्रेड कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, जैसे कि मारी से कुछ लेकर के वो जा रहे हैं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो उसका 10% क्या टैक्स के रूप में पहले ही काट लिया जाता था। 10% वो टैक्स के रूप में उनसे क्या है पहले ही ले लेते थे, उसके बाद उनके मटेरियल जो भी होता था उसको वहां तक पहुंचाया जाता था। तो इस तरह से क्या है ट्रेड के कारण यानी टैक्स वगैरह कलेक्शन के कारण एक इम्पोर्टेंट सिटी बन गया, जो ये कह सकते हैं कि रॉयल फैमिली की कैपिटल काफ़ी लंबे समय तक रहा। क्यों रहा, क्योंकि अगर टैक्स वगैरह इतना लेंगे, मान लो कि 10% टैक्स हर चीज़ के अंदर था, और ट्रेड के लिए वो काफ़ी फेमस था, काफ़ी लोग मारी में रुकते थे ट्रेडर्स वगैरह, तो एक टैक्स उनकी इनकम का बहुत बड़ा सोर्स था। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये क्या है जो ट्रेडिंग टाउन है, किस तरह से जो पोस्टल जोन है वो एक ट्रेडिंग टाउन में बदल चुका था, एक व्यापार का केंद्र बन चुका है। इसके अलावा एक एग्जांपल और भी दिया गया है आपको, एक छोटा सा मतलब ये कह सकते हैं आइसलैंड है, उसका एक शहर का दिया गया है, एलोसिया से कॉपर वगैरह मंगवाने के भी एग्जांपल वहाँ पर देखे जा सकते हैं, यानी जो सर्वे किया गया उसमें कॉपर है, टीन है, रांग है, इन चीज़ों के भी क्या है एग्जांपल मिलते हैं कि वहाँ पर ये सारी चीज़ों का ट्रेड भी किया जाता था। तो ये मारी सिटी के बारे में है, 2002 बैकवर्ड ईयर पहले था, फार्मर भी थे वहाँ, पेस्टलिट्स भी थे, नोमैड्स होते थे, कौन ये पेस्टोरल नोमैड्स होते थे, यही किंग्स वगैरह बनते हैं, इनकी कुछ क्या है कास्ट या कम्युनिटी के नाम बताए गए हैं, वो हार्वेस्ट क्रॉप के बारे में या हायर सोल्जर्स के बारे में वहाँ पर आते थे और धीरे धीरे किंग बनते हैं। उन्होंने एक टेंपल का भी एग्जांपल दिया गया, वहाँ पर अलग अलग तरह की कम्युनिटी है, कास्ट है, कल्चर है, उनके अंदर डिफरेंसेस मिलता था, वो काफ़ी टाइप्स की मिलती थी, और इस तरह से इंपॉर्टेंट सेट वो एक सिटी बन गया था ट्रेड का। क्यों, क्योंकि वहाँ पर टैक्स काफ़ी लिया जाता था और फरात रिवर यहाँ पर क्या है काफ़ी एक मेन जगह के रूप में आती थी जो बिल्कुल इसके पास होती थी, जो जितने भी ट्रेडर्स हैं पीछे से आते थे या आगे से आते थे, जहाँ से भी आते थे वो मारी जगह पर रुकते थे, और जहाँ पर रुकते थे उनसे टैक्स वगैरह भी कलेक्ट किया जाता था। तो इस तरह से क्या है इस सिटी के बारे में बताया गया जो एक ट्रेडिंग सेंटर था। ये आपका टॉपिक था, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।